आप गठबंधन से यहाँ पे प्रतापपुर विधानसभा 257 से घोषित प्रत्याशी हैं, तो आप यहाँ के मुसलमान भाइयों और यस्सी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 257 प्रतापपुर विधानसभा का मैं प्रत्याशी मोहम्मद अहमद अंसारी, मैं समर्थित प्रत्याशी AIMIM पीस पार्टी वाम से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कोरमा काउंसिल, इनका मैं समर्थित गठबंधन का प्रत्याशी। जैसे कि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का आपको समर्थन मिला है, तो आप प्रतापपुर की जनता को क्या कहेंगे? हम जनता को ये कहना चाहेंगे, मैं यहाँ पे आज 2 साल से बूथ टू बूथ में टहल रहा हूँ, 259 बूथ में पैदल एक एक दरवाजे पे गया हूँ, और मैंने ये देखा कि यहाँ पे विकास नाम का कोई कार्य नहीं है। मैं आप लोग जानते हैं खड़िया नगर पंचायत के चेयरमैन साहब प्रतापपुर हो गए, सब आप लोग जानते हैं, और मैंने कितना विकास किया है वहाँ पे सब जानते हैं, उसी तरीके से यहाँ का विकास करें। जैसे सभी पार्टियाँ मुसलमान भाइयों को मुद्दा बनाकर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं, तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? हम सामंजस्य बिठाएंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, SC समाज हो, जनरल समाज हो, जो भी वंचित समाज है, परेशान समाज है, किसी तरीके से वंचित है, सबका साथ देंगे। आप जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? विकास। जैसे कि अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी, रावण जी जो हैं, जिनको रावण के नाम से अभी जाना जाता है, उनका रोड शो होने वाला है, तो किस दिन होगा उनका डेट? जब मिल जाएगा इलेक्शन पहले उनका रोड शो हो जाएगा, और डॉक्टर अयूब साहब का हो जाएगा, MIM के प्रदेश अध्यक्ष का हो जाएगा। तो ये रोड शो कहाँ से कहाँ तक होगा? हमारी भाई कोशिश है कि हम तो कहते हैं मसाड़ी से लेकर के प्रतापपुर के आगे तक इसका रोड शो कराएं, जितना टाइम हो जाएगा उतना कराएंगे, उसके बाद एक मीटिंग होगी। तो आप